हेलो गाइस, आज जो बताना है आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल ईएमआई कैसे करना, पूरा वीडियो में बताएंगे। आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करें, क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद बिल आप भर नहीं सक रहे, बिल का ईएमआई आप कर सकते, कैसे करना बताएंगे। आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ईएमआई घर में बैठ के आप कर सकते, कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं पड़ते, बैंक को जाने का जरूरत नहीं है, कस्टमर केयर से बात करने का जरूरत नहीं है। आपके पास आई मोबाइल ऐप्स रजिस्टर है तो आई मोबाइल ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल ईएमआई कर सकते, तो कैसे करना बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक टिप विश्वजीत। आईसीआईसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे ईएमआई करना, पूरा वीडियो देखिए, एक का बाद एक स्टेप बताएंगे, चलिए शुरू करो। गाइस फोन में आ गया, फोन में आने के बाद आईसीआईसी बैंक का जो आई मोबाइल ऐप से आप ईएमआई कैसे कंप्लीट कर सकते को बताएंगे। गाइस क्रेडिट कार्ड से अब बड़ा अमाउंट यूज़ कर लिए, यूज़ करने के बाद आप ईएमआई करना चाह रहे तो ईएमआई खुद आप कर सकते, आप कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं है, कस्टमर केयर से बात करने का जरूरत नहीं है, बैंक पे जाने का जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते ईएमआई को बताएंगे, वो भी लाइव बताएंगे। आई मोबाइल ऐप्स अब लॉगिन कर लीजिए, आईसीआईसी बैंक का आई मोबाइल ऐप्स में लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड में जाना पड़ता, बीच में देखिए कार्ड एंड फॉरेक्स बोल के लिखे हुए, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जितना कार्ड है यहाँ पे आ जाता, आपका कार्ड का पूरा डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाता, कार्ड नंबर आ जाता, उनका फोटो भी आ जाता। आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कार्ड का आप ईएमआई करना चाह रहे, तो मेरा इतना कार्ड है यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे रहे। आपका एक रहे तो एक कार्ड आ जाता, दो रहे तो दो कार्ड आ जाता, पाँच बोले तो पाँच कार्ड का यहाँ पे डिटेल्स दे देते। जो कार्ड का ईएमआई करना है यहाँ पे मैं कार्ड नंबर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं, ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैनेज कार्ड बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू ईएमआई बोल के लिखे सो है, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कार्ड नंबर सिलेक्ट करना पड़ता, यहाँ पे जितना कार्ड है आपको डिटेल्स दे देते, तो यहाँ पे कार्ड नंबर सिलेक्ट करिए। मैं कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका कार्ड नंबर यहाँ पे बता देता, आप कहाँ पे यूज़ करें वो भी यहाँ पे बता देता, कितना अमाउंट है वो भी यहाँ पे बता देता। एक बॉक्स है यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे भी देखिए एक बॉक्स है, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू ईएमआई बोल के जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे आने के बाद आप कितना महीने के लिए आप ईएमआई करना चाह रहे यहाँ पे डालना पड़ता। यहाँ पे देखिए तीसरा महीना मेरे को सिलेक्ट होके आ गया, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे देखिए तीन महीना, छः महीना, नौ महीना, बारह महीना, अठारह महीना, चौबीस महीना, चौबीस महीने के लिए मैं ये ईएमआई कर सकते। कितना महीने के लिए आप कर रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। यहाँ पे देखिए मैं छः महीने के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद डन कर रहा हूँ। गाइस देखिए मैं छः महीने के लिए सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग फीस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे रहे, तो एक बार देख लीजिए आपका कितना परसेंट आपको जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए। उससे बाद ईएमआई आपका हर महीने का कितना ईएमआई है यहाँ पे आ जा रहे, ईएमआई कितना है 1,217.76 रुपए यहाँ पे ईएमआई आपको हर महीने पे करना पड़ता। ये छः महीने के लिए हो गया, अब ज़्यादा करे बोले तो आपको बढ़ जाता। यहाँ पे देखिए मैं 9 महीने के लिए भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 9 महीना मैं सिलेक्ट कर लिए, करने के बाद डन कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग फीस एक ही रहता, इंटरेस्ट भी एक ही रहता। नीचे देखिए आपका जो ईएमआई है कम हो गया, हर महीने को आपको 827.85 रुपए आपको भरना पड़ता। तो ईएमआई आप ऐसे करके चेक भी कर सकते कौन सा महीने में कितना आपको इंटरेस्ट लग रहे, कितना आपका प्रोसेसिंग फीस लग रहे, कितना आपका ईएमआई भरना पड़ता, ये भी आप चेक कर सकते, चेक करके आप कर सकते। मैं 6 महीने का सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 6 महीना मैं सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद ईएमआई कितना है वो भी मैं देख लिए, कितना चार्जेस लग रहे वो भी चेक कर लिए। करने के बाद सबमिट बोल के लिखे सारे यहाँ पे सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स पूरा आ जा रहे, यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर आ रहे, कौन सा डेट पे आप कर रहे वो भी आ जा रहे, कहाँ पे पेमेंट करे थे वो भी आ जा रहे, आप कितना बैलेंस को आप कर रहे वो भी यहाँ पे आ जा रहे, आप कितना महीने के लिए कर रहे वो भी यहाँ पे आ जा रहे, आपका ईएमआई कितना वो भी यहाँ पे आ जा रहे, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे रहे। तो यहाँ पे सबमिट बोल के लिखे सारे यहाँ पे सबमिट कर दीजिए।
गाइस देखिए, मेरा सक्सेसफुली मैं ईएमआई जो करा, ईएमआई मेरा सक्सेसफुल हो गया। क्रेडिट कार्ड से जो बैलेंस मैं यूज करे थे, वो बैलेंस को मैं ईएमआई करके आपको 6 महीने के लिए एक साथ भरने का जगह, जैसे क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते, पेमेंट करने के बाद आप 6 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए भी आप ईएमआई कर सकते। जैसा मैं 6 महीने के लिए ईएमआई करके आपको लाइव बताया। यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर के साथ डेट, पेमेंट कहाँ करे, हर चीज़ यहाँ पे दे दिए। कितना महीने के लिए आपका ईएमआई कितना भरना पड़ता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको पूरा डिटेल्स दे दिए। तो यहाँ पे सक्सेसफुल बोल के भी बता दिए, आप जो ईएमआई करे यहाँ पे सक्सेसफुल बोल के भी आपको बता दिए। तो हर चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल गया। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ईएमआई कैसे कर सकते, आपको पूरा वीडियो में आपको बताया। एक का बाद एक स्टेप आपको बताया कैसे आप ईएमआई कर सकते, खुद कर सकते। किधर जाने का जरूरत नहीं है, किसको बोलने का जरूरत नहीं है, कस्टमर से बात करने का जरूरत नहीं है, बैंक पे जाने का जरूरत नहीं है। आपको पूरा डिटेल्स आपको बताया कैसे ईएमआई आप खुद कर सकते क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को। गाइस पूरा वीडियो में बताया आईसीआईसीआई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे ईएमआई करना, एक का बाद एक स्टेप बताया, वो भी लाइव बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइव करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।